अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। 3.4 एक्सरसाइज चल रही थी, इसका पार्ट नंबर जो है 8 आज हम बल्कि स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वही मेरी आपको दरख्वास्त है, जो व्यूवर्स न्यू हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 438 पावर 3 एंड देन ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट को मैं चेंज कर देता हूँ 1/2 आवर 3884। सबसे पहले हमने लॉग लेना होता है तो हम लॉग लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड बिकॉज हमने इसको लॉग की मदद से हल करना है। तो लॉग ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड पे भी लॉग आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग 438 0.056 1/2 आवर 3884। ओके, अब हमें इल्म है कि जब हम सिंगलटन लॉग से इंडिविजुअल लॉग में जाते हैं तो जिस भी नंबर के साथ पावर होती है वो उस लॉग के कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस आएगा, अदर बाकी शेड्यूल वैसे ही होगा। तो देखें जी, इसको लॉग ख़त्म करूँगा, इसकी पावर है तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, देन लॉग एंड 438 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन आएगा एंड पावर क्या है जी 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग 0.056 डिवाइड है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा एंड देन पावर क्या है आपके पास 4 इंटू लॉग 388। अब हम क्या करेंगे, इनके लॉग की वैल्यूज़ लेंगे। तो लॉग इतना है हमारे पास लॉग और ये 3 वैसे का वैसे राइट होगा और इधर हम लॉग की वैल्यूज़ लेंगे। लॉग की वैल्यू लेने के लिए आपके पास वही पैटर्न है कि आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स ही हैं तो आप क्या करते हैं जी लॉग 438 प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.6414। ब्रैकेट बंद कर लें इसकी, प्लस 1/2 लॉग लेना है किसका, ये देखें पॉइंट में है तो मैं मैन्युअली पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स देखूंगा, 1 2 2 नेगेटिव में आएगा एंड देन 56 का मैं क्या लूँगा लॉग, लॉग 56 किसके इक्वल आया है 1.748। मैं करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से यूज़ नहीं करूँगा, 0.7481 जो है यहाँ से यूज़ करूँगा, 0.7481 जो है यहाँ से यूज़ करूँगा, मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबर जो हैं वो लूँगा। इसी तरह -4 एज इट राइट करेंगे, लॉग 388 निकालेंगे तो ये लॉग का बटन प्रेस करना है, 388 आपके पास आंसर आया 2.5888। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, जब हम ऐसे करते हैं तो हम करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को अलग कर लेते हैं, मीन्स 2 मैं अलग लिख लूँगा प्लस 0.6414 अलग लिख लूँगा, 1/2 -2 प्लस 0.7481 इसी तरह -4 इंटू 2 अलग एंड देन प्लस 5888। अब क्या होगा जी, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 और प्लस 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 ये होगा प्लस प्लस प्लस, 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0.6414 तो आपके पास आंसर आएगा 1.9242। अब इसी तरह प्लस माइनस, माइनस आना था भाई, मैंने ज़रा जल्दी की, प्लस माइनस माइनस 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय
माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, मींस वो जो टू से टू कट जाएगा तो यहाँ वन रह जाएगा, वन वन सार वन, प्लस माइनस माइनस वन आएगा। तो मैं यहाँ क्या राइट करूँगा, माइनस वन। इसी तरह प्लस प्लस प्लस, अब ये क्या है जी, वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय 0.7481। अब ये कटिंग तो होती नहीं है, मुझे इसको वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर वही आएगा 7481 ओवर टू। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या है जी, हम वैसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0.7481 डिविजिबल बाय टू, तो इस पे आंसर आता है आपके पास 0.37405। नेक्स्ट देखें जी, प्लस माइनस, माइनस फोर टू ज़ार एट, माइनस प्लस माइनस फोर को हमने 0.58, एट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये फोर मल्टीप्लाई बाय 0.5888 थ्री टाइम, तो आपके पास आंसर आया 2.3552। अब इनको एज इट लिख के ऐड कर देंगे, यानी कि जहाँ जो साइन है वैसे लिखेंगे, 6 प्लस 1.9242 माइनस 1 प्लस 0.37405, एक डिजिट वैसे मैंने ज़्यादा लिख दिया है, बेशक इसको रेज भी कर दें तो कोई इशू नहीं। चलें अच्छा, 405 माइनस 8 माइनस 2.3552, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर माइनस 3.05695, ठीक है जी। अब मेरे पास जो है ये सबको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ गई। वैसे हम फोर वैल्यूज पॉइंट के बाद काउंट करते हैं, दैट इनफ। अब हमने क्या करना है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ओहो नज़र भी नहीं आ रहा, ये अब नज़र आ रहा है ना आपको, तो अब टेक एंटी लॉग लेना है, तो ये लॉग कट जाएगा, यहाँ पे एक्स रह जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू माइनस 3.0569। तो हम अब इसका क्या लेंगे, एंटी लॉग, एंटी लॉग लेने के लिए वही शिफ्ट लॉग माइनस 3.0569, तो आप आंसर क्या आता है जी, एक्स इज इक्वल टू आपका आता है जी 8.772। ये देखें मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ रहा है, माइनस 4। मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से चेंज करके लिख सकते हैं, पॉइंट आपका यहाँ है तो पॉइंट आपका रिवर्स कितने डिजिट चला जाएगा, 4 डिजिट, मतलब 8 एक डिजिट, 0 0 0, 1 2 3 4 डिजिट पॉइंट आपका कहाँ चला जाएगा, पीछे, बाकी डिजिट्स आप वैसे के वैसे राइट कर दें। ये आपकी एक्सरसाइज भी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 8वां पार्ट वो मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।